नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। लॉकडाउन 3.0 में प्रशासन द्वारा काफी छूट दी जा चुकी है, वहीं कुछ जिलों में जोन के हिसाब से छूट भी दी जा रही है। ऐसे में बाराबंकी जिला भी छूट के दायरे में आता है। वहां पुलिस अपनी क्या तैयारियां कर रही है, इसी को लेकर हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने बाराबंकी SP अरविंद चतुर्वेदी से खास बातचीत की। लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बाद अब लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है। ऐसे में बाराबंकी जिला ग्रीन जोन में आता था, लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व ऑरेंज जोन में आ चुका है और शराब की दुकानें भी खुल चुकी हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी। आइए जानते हैं कानून व्यवस्था की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, क्योंकि लॉकडाउन कुछ छूट दी गई है। देखिए, लॉकडाउन 3.0 में जैसा कि अखबारों में और नोटिफिकेशंस के माध्यम से लोगों को मालूम है कि सरकार की प्राथमिकता है कि जो उद्योग हैं उन्हें फिर से चालू किया जाए, पूरी उत्पादकता उनकी वापस लाई जाए, जिससे कि श्रमिकों से लेकर व्यापारियों तक, उद्योगपतियों तक जो लॉकडाउन का कुप्रभाव पड़ा है उसे धीरे धीरे दूर किया जाए। और आरोग्य सेतु ऐप को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना, जिससे कि आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाए कि अब आप खतरे के नज़दीक हैं और आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस ने अभी तक जितनी मेहनत की है, अब हमें और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये भी अपील करेंगे कि उनको अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करने ही होंगे, क्योंकि अब लंबे समय तक इस वायरस के साथ रहना है और हमें अगर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करते हैं तो बिना किसी दबाव के, बिना किसी रोक टोक के हम स्वस्थ रह सकेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखेंगे। इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे दिख रहा है वो आदमी के रहन सहन पर है। हम व्यायाम को, खास करके योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, प्राणायाम करें, स्वास्थ्य संबंधी क्रियाएं करें, जिससे कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। बाराबंकी पुलिस अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है, किसी भी तरह के कोई भी शराब की दुकानें खुलने से या फिर लॉकडाउन खुलने से कोई भी घटनाएं नहीं होंगी। कर्नल वीरेन के साथ रेहान वारसी, लखनऊ।